भोजपुरी फिल्मों के जाने माने निर्माता संजय सिंह राजपूत के छोटे भाई ऋषि सिंह राजपूत की शादी मीरा रोड के एक्सप्रेस इन होटल में शाही अंदाज में संपन्न हुई। इस मौके पर भोजपुरी फिल्म जगत की कई नामचीन हस्तियां वर वधु को आशीर्वाद देने शादी में शामिल हुए। संजय सिंह राजपूत भोजपुरी फिल्म ट्रक ड्राइवर 2 सहित कई नामचीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। उनकी फिल्म दीवाने का निर्माण पूरा हो चुका है। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है कि जो लाइफ में बार बार नहीं आता है, एक ही बार आता है। तो मेरी तरफ से ऋषि और प्रिया दोनों लोग को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान ये जोड़ी बनाए रखे, ज़िंदगी भर खुश रखें, वो लोग एक दूसरे से खुश रहें, मेरी यही शुभकामनाएँ। काफ़ी लेट आए प्रवेश वाले, एक्चुअली मैं गया हुआ था पंचगनी, तो थोड़ा आने में लेट हुआ, लेकिन मैं तो सोचा कि पहुंच जाऊं, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज ही गया और आज ही आया। तो विकास भाई भी थे साथ में, तो इसलिए लेट हुआ थोड़ा, लेकिन बॉम्बे में 12 बजे कोई लेट नहीं मानता मैं, क्योंकि मैं खुद 2:30 बजे सोता हूं। विकास जी, शुभकामनाएं देना चाहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऋषि और प्रिया को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। उनका जीवन खुशमय हो, खुशहाली हो, आनंद से जीवन व्यतीत करें, मैं यही प्रार्थना करूंगा, यही दुआ है मेरी। रमेश जी, सबसे इंटरेस्टिंग शादी, कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग खास शादी जो जहन में याद हो प्रवेश लाल यादव, बताना चाहें? इंटरेस्टिंग शादी मैं अपने बड़े भाई दिनेश लाल यादव हैं उनकी बताना चाहूँगा जी, क्योंकि उनकी शादी में जून का महीना था, लगभग कितना जून था मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग के गाँव में जून जुलाई में खूब बारिश होती है। तो मुझे याद है कि जब हम लोग बारात लेके गए थे तो पूरा चारपाई और पाई अच्छे से लगा था, तंबू लगा था, लेकिन जैसे ही खाना वाना खा के और सब लोग गए सोने के लिए, तो इतना बारिश हुआ कि मतलब सारी चारपाई का पैर जो था वो ऊपर था, और जो बाराती लोग थे वो डंडा पकड़ के खड़े थे, और भैया भी भीग गए थे यहाँ तक कि, तो वो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता मैं। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। बिल्कुल, ये बड़ा ही सौभाग्य का बात है, और मुझे अच्छा लगा कि मुझे वर वधु के पास आने का मौका मिला, वर वधु के साथ खुशियां बांटने का मौका मिला। संजय सिंह राजपूत के छोटे भाई हैं ये, संजय जी के ऋषि जी, आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके, और चूँकि संजय जी बड़े होशियार इंसान हैं, बाहर किसी चीज़ को, अपनी किसी चीज़ को बाहर नहीं जाने देते हैं, अपनी साली से अपने छोटे भाई की शादी करवा लिए, दोनों बहन घर में रहेंगी, दोनों भाई घर में रहेंगे, मस्ती से इन लोगों की ज़िंदगी चलेगी, बड़े होशियार हैं संजय जी। तो दोनों वर वधु को बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारा आशीर्वाद, आप दोनों की ज़िंदगी हमेशा खुशमय रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, ऐसी ही शुभकामनाएं मेरी तरफ से है, यश कुमार की तरफ से है। यश, ज़्यादा तो शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, वक्त बहुत कम मिलता है जी। शादी के अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, तो ऐसी शादी का एक्सपीरियंस वाक्य शेयर करना चाहें यश कुमार? हाँ, शादी का वाक्य, मैं खुद की शादी में पहुँचा था, पूरी बारात पहुँच गई थी 4 घंटे पहले, और मैं पहुँचा था करीब 1:30 बजे रात को। तो शादी का वाक्यात, शादी के जो एक्सपीरियंस हैं वो मेरे साथ भी हैं। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो लोग भी ये वीडियो देखें, भैया लड़की वाला की दुआरी पर टाइम से पहुँच जाए, करा जा कहें से कि इंतज़ार करे वाला का दिल कितना धुकुर पुकुर करेला,
लड़की वाला से ज़्यादा अच्छे के ना जानी। बहुत सारी एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे तजुर्बे हैं शादी को लेकर के, खट्टी मीठी यादें हैं, कभी मौका मिला तो शेयर करेंगे। तो ही तो मेरी जान है, राधा टू आई है, कुछ कहना चाहते हैं आशीर्वाद? हाँ, संजय सिंह राजपूत जी की द्वारा निर्मित की हुई फिल्म है। शम्मी तिवारी जी इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। बहुत अच्छी स्टार कास्ट है इसमें। गोलू मेरा छोटा भाई फिल्म का हीरो है, माही खान हीरोइन है, और हमारे नवाब कहे जाते हैं हमारे राजू सिंह माही जी। बहुत प्यारा फिल्म का ट्रेलर है। फिल्म के ट्रेलर को आप लोग जो लोग देख रहे हैं उसको देखिए, कमाल की फ्रेश जोड़ी है। राजू जी भी बड़े ही एक नए अवतार में नज़र आ रहे हैं। और 8 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है बिहार में। तो जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं, आप सब जा करके इस फिल्म को अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें और फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाएं। आप सब फिल्म को सुपर हिट कराएंगे तो सोचिए वर वधु को एक नया नायाब तोहफा होगा ये आप सबकी तरफ से। सबसे पहले दर्शक लोग के प्रणाम। ऋषि और प्रिया को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी लॉन्ग लाइफ, जिंदगी खुशहाल रहे, हमेशा सावधानी रहे, जिंदगी हरा भरा रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ, तू ही तो मेरी जान है राधा, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, मैंने ट्रेलर देखा है और इसके लिए मैंने शम्मी भैया को बधाई भी दिया। फिल्म उन्हें एक हमारी टिपिकल जो भोजपुरी फिल्में होती है, हमारी जो समाज की कल्चर होती है, उस पर उन्होंने फिल्म बनाया है। और मैं यही चाहूँगा कि उस फिल्म को अप्रिशिएट करें लोग और देखें, ताकि हमारी भोजपुरी समाज में अच्छी फिल्में बने। बार बार आती है कि वल्गर फिल्में बन रही है, गंदगी आ रही है भोजपुरी में, हमारे समाज से हट के फिल्में बन रही है। तो जब तक हमारे दर्शक, हमारे समाज ऐसी फिल्मों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक अच्छी फिल्में नहीं बनेंगी। क्योंकि लोग बिजनेस के फिल्म बनाते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए, अप्रिशिएट करिए और इस फिल्म को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही फिल्में हमेशा आती रहें। शूट चल रही है और मैं शूट से ही यहाँ आया हूँ। मेरी फिल्म का नाम है प्यार भली पाकिस्तानी से, वो जल्द ही आपके सामने आने वाली है। जस्ट मेरी फिल्म रिलीज हो रही है बिहार में दिसंबर में, लखादेव जान के बाजी, देन फरवरी में इश्क वाले। बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और जो भी मैं फिल्म करता हूँ, आपको पता है कि मैं फैमिली ड्रामा ही करता हूँ, भले कम फिल्म करता हूँ, बट अपनी फैमिली और अपने भोजपुरी के कल्चर को लेकर के भी फिल्म करता हूँ। तो आप लोग उसे देखिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं हमेशा करता रहूँ, अच्छी अच्छी फिल्में आपके सामने देता रहूँ। शादी है तो हम तो तारीफ करेंगे नहीं, तारीफ तो आपको करना है ना। आप बताइए कि हमारी शादी कैसी है? हमें तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या में गेस्ट आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? अरे हमारे गेस्ट उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, हमारे यहाँ आए हमारे लिए वही बहुत बड़े हमारे सौभाग्य की बात है। दोनों ही बता दीजिए, दोनों को कैसा लगा जो यहाँ पे महफिल सजी है? तमाम लोग आए हैं, गेस्ट आए, उनको बहुत अच्छा लगा। जो तमाम गेस्ट आए उनके लिए क्या? अच्छा तो अच्छा लगा। अच्छा, आप इनके बारे में बताइए। हमारे प्रिय समझी है, हमारी लड़की की शादी इनके लड़की से हुई है, हमारे रिश्तेदारों में सबसे अच्छे में अच्छे है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे वर वधु को? मेरे तरफ से वर वधु को शुभकामनाएं हैं कि मेरे बहने की जो शादी है, कितनी खुशी की बात है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। मेरे देखे फ्रैक्चर हुआ तब भी मैं आया हूँ, अर्ली टांका कटवा करके इसको आया, जबकि डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन वो शादी अटेंड करने प्यार है तभी तो आए। हमारा इनसे प्यार है, इनका हमारे से प्यार है, प्यार ही तो सब कुछ होता है। भाई की शादी में आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जिंदगी में ढेर सारी आप लोगों को खुशियाँ मिले, बहुत सारा प्यार भरा है, बहुत सारा प्यार लाइफ में। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी मेरी जान है राधा टू रिलीज होने वाली, उसके लिए मेरे तरफ से तो ढेर सारी बधाई है इस फिल्म के लिए। सुपर ब्लॉकबस्टर, मेरे 6 गाने किए हुए हैं कोरियोग्राफ। अच्छा, तो खूब मैं चाहूंगी कि सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो। हाँ, काफी अच्छी और साफ सुथरी फिल्म है, बहुत ही अच्छी, अभी तक की सबसे साफ सुथरी अच्छी फिल्म है। बहुत सारी शुभकामना ऋषि को और प्रिया दोनों को, और मेरी यही दुआ है
कि इनका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाए और बहुत सारी खुशी इनकी लाइफ में मिले। पति पत्नी जिस तरह इनका पूरा परिवार राजपूत परिवार पूरा बहुत हैप्पी फैमिली है। और मैं संजय राजपूत जी के साथ चूँकि काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी फिल्मों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी तरफ से बस शुभकामना है कि दोनों बहुत खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में तरक्की करें और इनका परिवार और आगे बढ़े। थैंक यू। और अभी एक फिल्म बन रही है उनकी दिलवाले जिसमें छोटू हीरो हैं, तो बहुत फैमिलियर एटमॉस्फेयर है और इसीलिए मैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगता है ऐसे ओकेशन पर, ऐसी शादी में। और देखिए चारों तरफ पूरा रंग है, गाने वाने पीछे चल रहे थे, बहुत टिपिकल राजपूताना शादी चल रही है, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग भी रहा है। एक ये ऐसा ओकेशन होता है जब इस बहाने आप जिसके साथ आपकी दोस्ती होती हो तो होती है, जिस परिवार से आप जुड़े रहते जुड़े रहते, उसके साथ साथ आप और भी तमाम परिवार जो उनसे जुड़े होते हैं ना, उनसे आप जुड़ जाते हैं। तो ये मौका होता है और जब भी मुझे मौका मिलता है कि इस तरह अपने परिवार दोस्त यार में शादी ब्याह हो तो मैं ज़रूर जाऊं, उस बहाने सबसे मुलाकात हो और रिश्ता और लंबा हो और सबसे अच्छी मुलाकात है। थैंक यू, थैंक यू। आनंद भाई जी, सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरिया दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने हीरो रजीव पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि बहुत ही शुभ विवाह है, और ये बल्कि किसी और का नहीं, हमारे बहुत ही करीबी, मेरे बहुत ही क्लोज, मेरे बहुत ही प्रिय संजय राजपूत जी, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस की है, जो मेरे बहुत करीबी हैं, जिनकी फिल्म मैंने की है ट्रक ड्राइवर 2 और अभी एक फिल्म बहुत ही खूबसूरत आने वाली है जिस फिल्म का नाम है दिलवाले। तो उन्हीं के भाई की शादी थी जिसका निमंत्रण हम सभी को सपरिवार था, तो इसी खुशी के मौके पर हम उनके इस खुशियों में शामिल होने आ गए। और मैं दिल से बताऊँ तो बहुत खुशी लगता है जब हम अपने किसी अपने लोगों के शादी में ऐसे किसी भी शुभ मौके पर हम उनके कार्यक्रम में हम उनके शामिल होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं तो इस परिवार का बहुत खूबसूरत सा हिस्सा हूँ। जब भी कोई फिल्म की बात होती है तो हम लोग साथ ज़रूर होते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म हमारी आई भी थी ट्रक ड्राइवर 2, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसका यूट्यूब पर मेरे ख्याल से 4-5 जगह डाला हुआ है इस फिल्म को, और जो 1.5 करोड़ और 2 करोड़ के आसपास के इसके व्यूज भी हो गए। और अभी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है जिस फिल्म का नाम है दिलवाले, जो बहुत ही बड़े लेवल पर बहुत ही बड़े पैमाने पर फिल्म आ रही है, जिसमें मैं और गोलू ऋषभ कश्यप गोलू हम दोनों बहुत ही पहली बार हम लोग साथ में बहुत काफ़ी समय के बाद एज ए लीड में हम लोग नज़र आने वाले हैं, और बहुत ही बड़े तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग नज़र आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ मेरा जिस दिन मेरा ये ऐसा कुछ तय होगा तो सबसे पहले हमारे सारे जितने भी मीडिया कर्मी भाई बंधु हैं, मेरा ये जो परिवार, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि भोजपुरी सिनेमा परिवार है मेरा, और मैं इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ, सबसे नटखट सदस्य हूँ, और मैं तो जब ऐसा कुछ शुभ कुछ कार्य होगा तो सबसे पहला निमंत्रण मेरे परिवार को, इस परिवार को तो ज़रूर जाएगा। अभी कोई डेट फिक्स नहीं है भाई, और अभी वो क्या बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा दिन कायम रहे, और मोदी जी का जैसा मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, वो अच्छे दिन मेरे चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा वो अच्छे दिन कंटिन्यू रहे, आगे मेरे माता पिता की इच्छा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, शादी के बाद और अच्छे दिन आते हैं और बढ़िया दिन आते हैं, और मैं बस वही, बाकी आप लोग की दुआ, हमारी आवाम की दुआ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आज यहाँ शादी का कार्यक्रम है और हमारे संजय सिंह राजपूत जो किंद्रा फिल्म के चेयरमैन हैं, उनके छोटे भाई ऋषि की शादी है आज, तो शादी के इस माहौल में काफ़ी देखिए लोग आए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आप लोग भी आए हैं शुभकामना देने, और मैं भी शुभकामना देता हूँ कि यहाँ पे सब अच्छे से कार्यक्रम हो। और भी लोग आने वाले हैं, सारे हीरो जो अवेलेबल है तो आने वाले हैं। जी हाँ जी।
राजनीति फील्ड से भी करीब हमारे कृपा शंकर जी अभी आए थे और गए हैं, और भी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, और हमारे सारे गेस्ट अभी देखिए अभी आ ही रहे हैं। जैसा कि बहुत बहुत बधाई ऋषि भैया को, संजय जी बहुत ही हमारे करीबी, फ़ोन आया था परसों तरसों उनका, तो आना मतलब लाजमी था, पहुंच गए, बस बहुत बहुत बधाई उनको शादी की, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत अच्छा जाए उनका साल, बहुत अच्छा कटे उनका लव लाइफ, उनका मैरिड लाइफ, मेरी शुभकामनाएं। जी 2 तारीख को रिलीज़ हो रही है तो ही तो मेरी जान है राधा, बिहार में हो रही है, मुंबई में हो रही है, और अच्छा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से, पहली भी अच्छी निकली थी इसकी, और राजू सिंह माही जी हैं, बहुत मेहनत किया हम सब ने मिलके, 2-4 महीने में पिक्चर बनाई है, अब बस ऑन द फ्लोर आने वाला है, गाने पसंद किए जा रहे हैं यूट्यूब पर। जी जी, हमने अभी साथ में अभी जस्ट एक पिक्चर शूट ख़त्म करके आए हैं दिलवाले, जिसके अंदर चिंटू हैं भाई साहब, मैं हूँ, और काफ़ी अच्छा केमिस्ट्री हमारा देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा हमारा मार धार से लेके मतलब सब कुछ बहुत ही उम्दा है, चिंटू बहुत ही उम्दा कलाकार, और मतलब मेरा बचपन का बहुत ही मतलब परेशान करने वाला दोस्त, एम्बैरेस कर देने वाला, जगह जगह पे लेके जाके मुझे तो नहीं नहीं एक्चुअली ये मैं और कंधे पे ऐसे मैंने किया था, ये इंटरव्यू देने आया था मैं, अगर बात दिलवाले की हो रही हो तो हाँ, तो शुरू हो जाए। यस, हमारी एक हमने एक साथ में फिल्म की थी जिस फिल्म का नाम था सात सहेलियाँ, और हमने काफ़ी धमाल मस्ती किया था उस फिल्म में, उसी जोड़ी को रिपीट किया है संजय सिंह राजपूत जी ने, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी फिल्म, जिस फिल्म का नाम है दिलवाले, जो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में बहुत जल्द होगी, और जिसमें मेरा और गोलू का बहुत ही धमाकेदार दोस्ती नहीं बल्कि टशन दिखने वाला है आप सभी को, और बहुत ही ज़बरदस्त टशन दिखने वाला है, और उसमें शरीफ आदमी मैं हूँ, और उसमें बहुत ही शरीफ आदमी, मेरा भाई मेरा पेमेंट इनको दे देना। मेरा राजू भाई, राजू सिंह भाई, ये सब तो नहीं नहीं राजू जी का उस फिल्म में एक आपको अलग अनोखा और बहुत ही अद्भुत लुक आपको नजर आने वाला है, और बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है उनका, बस मैं यही कहूँगा, हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं उस फिल्म के बारे में, मैं यही बोलूँगा वो फिल्म आप सबको बोलेगा जब उस फिल्म के टीजर्स आप सबके सामने आएंगे, उस फिल्म के ट्रेलर आप सबके सामने आएंगे, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जब भी मेरा बहुत ही अजीज दोस्त, मेरा भाई गोलू, हम सब लोग जब साथ में होते हैं सेट पर, बहुत ही धमाल करते हैं, बहुत ही मस्ती करते हैं, इधर जो बोल रहा है बहुत ही धमाल, बहुत ही मस्ती करते हैं, जैसा कि अभी भी देखो मस्ती कर ही रहा है, और वही मस्ती, यही शरारत, इससे ज़्यादा शरारत आपको उस फिल्म में नजर आने वाला है। हाँ मतलब ऐसे हवा नहीं आ रही है, हटो थोड़ा सा। मैं बस यही कहूँगा कि हमारे अभी तेरे लिए करने, सुन नहीं बिल्कुल बिल्कुल, 8 तारीख को गोलू की बहुत ही खूबसूरत फिल्म तू ही तो मेरी जान है राधा 2 रिलीज़ हो रही है, और आप सभी लोग उस फिल्म को बहुत देखें, और वो प्यार वो आशीर्वाद दें जो हमेशा मुझे और जो बाकी कलाकारों को देते आए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा दें, क्योंकि हमारी सबकी उम्मीद है गोलू पर, और मेरी सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि गोलू बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम करेंगे, और आप सबको एक से एक धमाका देंगे जैसा कि हम सभी देते आ रहे हैं, और बस मैं यही कहूँगा कि मेरी फिल्मों को ज़्यादा देखिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, साथ में इनकी भी देखिए, लव यू ऑल, चलिए, थैंक यू सो मच।